हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रीडिंग स्पीड को इंक्रीज करने के 5 बेस्ट टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। और वीडियो के एंड में मैंने आपके लिए 3 रीडिंग चैलेंजेस सेट किए हैं जिसे आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि सिर्फ टेक्निक्स के बारे में जान लेने से कुछ नहीं होगा, रिजल्ट आपको टेक्निक्स को अप्लाई करने से मिलेगा। अगर आप उन 3 चैलेंजेस को ईमानदारी से कंप्लीट करोगे तो गारंटी है कि आपका रीडिंग स्पीड 10 टाइम्स तक इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन रीडिंग स्पीड को इंक्रीज करने के तरीकों के बारे में जानने से पहले चलिए समझते हैं कि आज के टाइम पर रीडिंग स्पीड को बढ़ाना क्यों जरूरी है इन 3 सिंपल पॉइंट्स। नंबर 1, स्पीड रीडिंग इंक्रीजेज योर फोकस। जब आप 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ड्राइव करते हैं तब आप साइड की चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं, जैसे कोई सुंदर दृश्य, अति सुंदर दृश्य, घर, बिल्डिंग और बहुत कुछ। लेकिन जब आप 100 प्लस के स्पीड से ड्राइव करते हैं तब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी आपका नज़र रोड से नहीं हटता है, 100% फोकस के साथ ड्राइव करते हैं। इसी तरह जब आप स्लो रीडिंग करते हैं तब भी आपका फोकस कई चीज़ों के बीच भटकता रहता है, जैसे फ़ोन, टीवी, किसी की बात करने की आवाज़ और पड़ोस के झगड़े तक आपको सुनाई देते हैं, और फिर बाद में आप कंप्लेन करते हैं कि पढ़ा हुआ याद क्यों नहीं होता है। सो स्पीड रीडिंग से आपका फोकस इंक्रीज होता है। नंबर 2, इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि एग्जाम में कई क्वेश्चन छूट जाते हैं, लेकिन जब आप उन्हीं क्वेश्चन को घर में आकर बनाते हैं तो आसानी से बन जाता है। वेल, इसके पीछे वजह है टाइम लिमिट। आपने अपने ब्रेन को कभी प्रेशर में परफॉर्म करने के लिए ट्रेन ही नहीं किया है जो एक टाइम लिमिट में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सके। हमारा ब्रेन मसल की तरह है जो ट्रेनिंग के साथ स्ट्रांग होता जाता है और बेटर परफॉर्म करता है, और स्पीड रीडिंग हमारे ब्रेन को चैलेंज करता है हायर लेवल पर परफॉर्म करने के लिए, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस और मेमोराइज करने के लिए। और इस ट्रेनिंग से आपके ब्रेन का ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है, जिसका असर लाइफ के हर पार्ट में देखा जा सकता है। फिर चाहे एग्जाम हो, इंटरव्यू हो, कोई स्पोर्ट हो या फिर कोई बिजनेस हो, आपका ब्रेन हर कंडीशन में बेटर परफॉर्म करता है। नंबर 3, लीडर्स आर रीडर्स। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम अभी इन्फॉर्मेशन एज में रह रहे हैं, और आज के टाइम पे जिसके पास जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगा वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। एलोन मस्क की बात करें तो वो बचपन में ही एक लाइब्रेरी जितना बुक्स पढ़ गए थे, और जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने रॉकेट बनाना कैसे सीखा तो उनका जवाब था, आई रीड बुक्स। वॉरेन बफेट की भी बात करें तो वो बहुत रीडिंग करते हैं। उनके मॉर्निंग रूटीन में न्यूज़पेपर पढ़ना सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के एक एक डिटेल पे फोकस करते हैं। सिमिलरली दुनिया के सारे ग्रेट लीडर्स एक ग्रेट रीडर भी है। सो अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि स्पीड रीडिंग क्यों इतना वैल्यूबल स्किल है जिसे आज के टाइम पे हर किसी को सीखना चाहिए। अगर आपको इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड में तेजी से आगे निकलना है तो खुद को अपडेट करते रहना और न्यू स्किल सीखते रहना बहुत जरूरी है, जिसमें स्पीड रीडिंग का बहुत बड़ा रोल है। नाउ हम लोग बात करेंगे उन 5 बेस्ट टेक्निक्स के बारे में जिसे अप्लाई करके आप अपने रीडिंग स्पीड को 2 टाइम्स, 4 टाइम्स और कुछ ही महीनों के प्रैक्टिस से 10 टाइम्स तक इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर 1, स्टॉप सब वोकलाइजेशन। हम सभी को बचपन से वर्ड्स को जोर से बोलकर रीड करना सिखाया जाता है, जो कि उस टाइम पे सही भी था क्योंकि उस टाइम पे हम सीख रहे होते हैं, और फिर उसके बाद हमें मन में रीडिंग करने को कहा जाता है, और समय के साथ आपको बिलीव हो जाता है कि जब तक आप वर्ड्स को सुनेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं। लेकिन ये दोनों ही तरीका आपके रीडिंग स्पीड का एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। यह आपके रीडिंग स्पीड को लिमिट करता है। इंग्लिश लैंग्वेज का ऑप्टिमल रेट ऑफ स्पीच 140 से 160 वर्ड्स पर मिनट होता है। सो अगर आप बोलकर रीडिंग करेंगे तो आपका रीडिंग स्पीड 200 वर्ड्स पर मिनट से ज्यादा नहीं जाने वाला, जबकि हमारे ब्रेन का कैपेसिटी इससे कहीं ज्यादा है। एक स्पीड रीडर 200 से 400 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से रीड करता है विद कॉम्प्रिहेंशन, और 400 से 700 वर्ड्स पर मिनट विद लिटिल कॉम्प्रिहेंशन। प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की बात करें तो वो 500 से 1200 वर्ड्स पर मिनट की अमेजिंग स्पीड से रीड कर पाते थे। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हॉवर्ड स्टीफनबर्ग क्लेम करते हैं 25,000 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से रीड करने का। बट ये स्पीड थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सियल है। ये सारे स्पीड रीडर्स में एक चीज कॉमन है, वो वर्ड्स को बोल कर रीड नहीं करते हैं, बस देख कर रीड करते हैं। एक ब्लू कार के बारे में सोचो जिसके 4 टायर्स है। अब आपने इसे सोचा या इसे, कमेंट में बताना। एक्चुअली हमारा ब्रेन पिक्चर्स में सोचता है, वर्ड्स तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करने का बस एक टूल है। आई कैन चैलेंज, आप इस वर्ड को बिना रीड किए भी समझ सकते हैं सिर्फ देख कर। द ओनली थिंग इज यू नीड टू डू सम प्रैक्टिस। नंबर 2, रिग्रेशन स्लोज यू डाउन। अच्छा सच सच बताना, आप सेम लाइन दोबारा रीड करते हैं ना? हर कोई रीड करता है दोस्तों, मैं भी करता था। जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट लाइन रीड करता तो लगता जैसे मुझे समझ नहीं आया, और इसलिए मैं इस लाइन को दोबारा से रीड करता। कभी कभी तो माइंडलेसली 3-4 बार रीड करता। इस बॉटलनेक के बारे में मुझे जिम क्विक की बुक लिमिटलेस से पता चला था, और मुझे इस बुक में सबसे अच्छा चैप्टर स्पीड रीडिंग ही लगा था। कुछ पॉइंट्स मैंने इस बुक से भी लिए हैं, आप इस बुक को जरूर पढ़ना। ये रीडिंग आपके रीडिंग स्पीड को बहुत कम कर देता है, जबकि कॉम्प्रिहेंशन में कोई खास चेंज नहीं आता है। आप एक लाइन को एक बार पढ़ो या 4 बार पढ़ो, 2 दिन बाद आपको याद नहीं रहने वाला। आपको सिर्फ की आइडिया पकड़ना है, ना कि लाइन बाय लाइन मेमोरी भरना है। हाँ, अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज आता है, बट एक लाइन को दोबारा से रीड मत करना। अगर कोई लाइन इंपॉर्टेंट लगता है तो अंडरलाइन करो, बुक मार्क करो, बट रीडिंग से बचो। जब आप वापिस से बुक को दोबारा पढ़ने लगोगे तो सब समझ में आने लगेगा, और ऐसा करने से आपका रीडिंग स्पीड कम से कम 4 टाइम्स तक इंक्रीज हो जाएगा।
नंबर 3 स्पीड वेरिएशन, ये मेरा फेवरेट है क्योंकि ये तरीका मेरे रीडिंग स्पीड को बढ़ाने में बहुत हेल्प किया है। देखो मोस्टली एक 200 पेज की बुक में काम की बातें करीब 50-60 पेजों में होती है, बाकी के पेजेस बुक को मोटा करने के लिए होता है जिसमें एग्जांपल्स, स्टोरीज, स्टडीज, पर्सनल एक्सपीरियंसेस और पिक्चर्स होते हैं। और एक्सपर्ट रीडर्स इस बात को समझते हैं, वो जब भी ये फिलर पैराग्राफ्स को पढ़ते हैं तो वो स्कीमिंग करते हैं, मतलब एक एक वर्ड्स को रीड नहीं करते हैं, बस स्कैन करते हुए आगे बढ़ जाते हैं विद द स्पीड ऑफ अराउंड 700 वर्ड्स पर मिनट। और कुछ सुपर एक्सपर्ट्स तो 5000 वर्ड्स पर मिनट तक का दावा करते हैं। और जब कुछ इंपॉर्टेंट मिलता है तब वो स्लो हो जाते हैं और कॉम्प्रिहेंशन के साथ रीडिंग करते हैं विद अराउंड 200 टू 500 वर्ड्स पर मिनट। इस तरीके से रीडिंग स्पीड करीब 4-6 टाइम्स तक इंक्रीज हो जाता है। नंबर 4 एक्सपैंड योर पेरिफेरल विजन। एक स्लो रीडर एक बार में एक वर्ड रीड करता है जबकि एक स्पीड रीडर एक बार में ग्रुप ऑफ वर्ड्स रीड करता है। लेट मी एक्सप्लेन। जब आप रीडिंग सीख रहे थे तब आप इस वर्ड को लेटर्स में रीड करते थे, ओ डबल एफ आई सी ऑफिस, राइट? लेकिन अब आप लेटर्स को रीड नहीं करते, सीधे वर्ड्स को पहचानते हैं। सिमिलरली अगर ऑफिस के आगे पोस्ट ऐड कर दूं तो भी आप इसे एक वर्ड के जैसा ही रीड करेंगे, पोस्ट ऑफिस। लेकिन आपने इस लिमिट को पार नहीं किया है, जबकि एक स्पीड रीडर तो कभी कभी पूरे सेंटेंस को एक साथ देखता है। और आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आप अपने पेरिफेरल विजन को एक्सपैंड करेंगे और एक साथ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को देखेंगे तो आपका रीडिंग स्पीड भी मल्टीपल टाइम्स तक इंक्रीज हो सकता है। नंबर 5 यूज विजुअल पेसर, गिव योर रीडिंग द फिंगर। ये टिप थोड़ा बच्चों वाला है बट इसका रिजल्ट आपको चौंका देगा। बस आपको करना यह है कि रीडिंग करते वक्त अपने फिंगर से अपने आंखों को डायरेक्शन देना है, मतलब उंगली रख कर पढ़ना है। एक स्टडी से पता चला है कि रीडिंग करते समय अपने फिंगर का यूज करने से आपकी रीडिंग स्पीड 25-100% तक इंक्रीज हो सकती है। और फिंगर का इस्तेमाल करने से आप अपने एक और सेंस, द सेंस ऑफ टच का भी इस्तेमाल करते हैं जो आपके लर्निंग प्रोसेस को बूस्ट कर देता है। क्योंकि जिस तरह से सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट जुड़ा हुआ है उसी तरह से सेंस ऑफ साइट और सेंस ऑफ टच भी जुड़ा हुआ है, इसलिए जब भी आप कुछ देखते हैं तो उसे छूने का स्ट्रांग इम्पल्स फील होता है। सो हमेशा रीडिंग करते वक्त अपने फिंगर का इस्तेमाल करें। अब उन 3 रीडिंग चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था। अगर आप इन 3 चैलेंजेस को ईमानदारी से कंप्लीट करोगे तो आपका रीडिंग स्पीड 10 टाइम्स तक इंक्रीज हो सकता है। सो चैलेंज नंबर 1 ये है कि आपको कम से कम 5 बुक्स खरीदने हैं जो आपके इंटरेस्ट एरिया में आते हो, जैसे साइंस फिक्शन, नॉन फिक्शन, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जो भी आपको पसंद हो। चैलेंज नंबर 2, अब आपको 4 मिनट का टाइमर सेट करना है और उन 4 मिनट के लिए अपने नॉर्मल स्पीड से रीड करना है। जहां तक आपने रीड किया वहां एक मार्क लगा दीजिए। नाउ आपको 3 मिनट का टाइमर सेट करना है और जितना आपने 4 मिनट में रीड किया था उतना 3 मिनट के अंदर रीड करना है। और रीडिंग करते वक्त आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखना है और अपने फिंगर का यूज करना कंपलसरी है। और बोल कर रीड नहीं करना है, मन में भी नहीं बोलना है, प्लस री रीडिंग से भी बचना है। जब आप 3 मिनट का टारगेट अचीव कर लो तो फिर 2 मिनट का टाइमर सेट करके इस बार 2 मिनट में रीड करना है। और 2 मिनट का टारगेट अचीव करने के बाद अगर आप खुद को और ज्यादा स्ट्रेच करना चाहते हैं तो 1 मिनट का टाइमर सेट करके फिर से रीडिंग कर सकते हैं। इस प्रोसेस को आपको रोज कम से कम अगले 3 महीने तक प्रैक्टिस करना है। इतने समय में आपका रीडिंग स्पीड डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा। चैलेंज नंबर 3, चैलेंज नंबर 2 कंप्लीट करने के बाद आपका रीडिंग स्पीड बहुत इंक्रीज हो चुका होगा। सो अब आपको रीडिंग डे सेट करना है। जब भी आपको 2-3 दिनों का लीव मिले तो इसे रीडिंग डे मान लो और आपको उन्हीं 2-3 दिनों में एक बुक रीड करनी है। इस चैलेंज का यूज करके कुछ दिन पहले मैंने एटीट्यूड इज एवरीथिंग को 2 दिनों में रीड किया है और मेरा नेक्स्ट चैलेंज इस बुक को रीड करने का है। ऐसा बिल गेट्स हमेशा से करते रहे। वो हर साल 2 हफ्तों का थिंक वीक मनाते हैं जिसमें वो खुद को टेक्नोलॉजी से पूरी तरह दूर कर देते हैं। और इस वीक में बिल गेट्स रीडिंग करते हैं और सोचते हैं। मैं उन्हीं से ऐसा करने के लिए इंस्पायर हुआ हूँ। आप कौन सी बुक का चैलेंज लोगे कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।